नाथुराम गोडसे के रोल में एनसीपी सांसद महात्मा गांधी की हत्या पर बनी नई फिल्म पर बवाल हो गया है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथुराम गोडसे पर शॉर्ट फिल्म को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। फिल्म का नाम है वाई आई किल्ड गांधी, यानी कि मैंने गांधी को क्यों मारा। ये फिल्म 2017 में बनी थी, इसे अब रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर बवाल इसलिए मचा है क्योंकि फिल्म में गोडसे की भूमिका कोई और नहीं बल्कि एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे निभा रहे हैं। अमोल कोल्हे पेशे से अभिनेता हैं। राजा शिव छत्रपति में वो छत्रपति शिवाजी के रोल के बाद काफ़ी चर्चित भी हुए। इसके बाद वो राजनीति में आ गए। 2014 में शिवसेना के स्टार प्रचारक थे। फरवरी 2019 में कोल्हे ने एनसीपी ज्वाइन की। शिवसेना जैसे तमाम हिंदू दक्षिणपंथी राजनीति संगठन गोडसे को लंबे वक्त से एक देशभक्त के रूप में बताते रहे हैं। कोल्हे ने शिवसेना में रहकर फिल्म में गोडसे की भूमिका निभाई थी, लेकिन फिल्म रिलीज अब हो रही है जब वो एनसीपी में पहुंच गए हैं। एनसीपी अपने सहयोगी कांग्रेस की तरह ही गोडसे को देशभक्त कहे जाने के खिलाफ है। गोडसे पर जबरदस्त वैचारिक मतभेद और उनकी भूमिका निभाने को लेकर कोल्हे ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने लिखा, रियल लाइफ और वास्तविक जीवन के बीच एक रेखा खींचने की जरूरत है। कोल्हे ने कहा कि एक कलाकार के रूप में काम करते समय कुछ भूमिकाएं चुनौतीपूर्ण होती हैं, भले ही वो चरित्र की विचारधारा से सहमत ना हो। कोल्हे ने लिखा कि जनता को भी खुले दिमाग और विचारों से एक आर्टिस्ट के काम को देखना चाहिए।